हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं निसान की टेरेनो गाड़ी है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये था कि इसका ब्रेक ऑयल जो रहता है ख़त्म हो जा रहा था और क्लच क्या बोलते सिलेंडर, जैसे कि देख सकते हैं क्लच सिलेंडर ख़राब हो गया था। यहाँ से पूरा ऑयल चू जा रहा था, बाहर चले जा रहा था, क्लच पैडल के अंदर से क्लच फेल हो गया था, क्लच मतलब फ्री हो गया था, पूरा ऑयल पूरा अंदर चू जा रहा था। तो आज अपन इसको रिप्लेस करने वाले हैं और कैसे इसको फिट करते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दिखा रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना नया क्लच सिलेंडर है। ये कंप्लीट आता है, पाइप कंप्लीट असेंबली आता है इसका ऐसे, और इसका पुराना वाला है। अब पुराने वाले का कंडीशन देख ही सकते हैं, पूरा फटा हुआ है। और ये क्या है, मास्टर सिलेंडर जो रहता है इसी से अटैच रहता है, ब्रेक ऑयल मतलब इसी से कंसल्ट रहता है, ब्रेक ऑयल इसी से मिलता है इसको। ये तो पुराना वाला हो गया और ये नया वाला हो गया। जैसे कि देख सकते हैं निसान की टेरेनो है, इसको लगाना काफ़ी इजी है। जैसे देख सकते हैं ये होल दिख रहा है, इसका अपने क्लच से निकालना है। इसमें खांचा बने रहता है, खांचा में अपने को फिट करना है। जब उधर देख, उधर का राट का सीधा है कि नहीं, वो लीवर इसका इसका कलर सिलेंडर वाला राट को वहाँ पे सेंटर कर, हाँ सीधा रखो। इसको ऐसे घुमा देना है उल्टा, जैसे देख सकते हैं इसको फिट कर रहा हूँ। जैसे कि पेंट देख सकते हैं फिट हो चुका है। जब इसको हमको निकालना है तो हमको राइट साइड में इसको घुमाना पड़ेगा। अंदर में ग्रुप दिया हुआ है, ये लो ग्रुप दिया हुआ है, ये ग्रुप दिया है, और ये लगता है ऐसे है। जब हम इसको निकालेंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो सीधे बाहर हो जाएगा, फिर उसी पोजीशन में अंदर डाल के फिर से वापस ऐसे कर देंगे तो अपने जगह पे लॉक हो जाएगा। ये प्रॉपर बैठ गया है। अब इसका मेन फिटिंग है, इसका पाइप लगाना है। पाइप लगाते हैं और क्लच का एयर निकालते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे देख सकते हैं ये मैंने पाइप लगा दिया है, यह वाला इसका लॉक भी लग गया है और ये होज है, होज भी लग गया है। ब्रेकर डालेंगे तो सीधे इसमें क्लच सिलेंडर में आएगा। ब्रेकर डालते हैं, डाल रबर पे, गिराना मत, उसको निकाल देना, वो कागज गिरा है ना। इसमें .4 डलाता है ब्रेक ऑयल, .3 नहीं डलेगा। .4 पतला ऑयल रहता है, .4 मोटा ऑयल रहता है, .3 मोटा रहता है, .4 पतला रहता है, पतला ही डलता है इसमें, सफ़ेद रहेगा और .3 रेड रहता है। अभी क्या है ना, भरेगा इसके अंदर, डालते जाना।
डॉट फोर है, डॉट थ्री नहीं डलेगा, व्हाइट कलर का, ये व्हाइट है, डॉट फोर, हाँ डॉट फोर है, ये डॉट फोर ही डालना है। और अंदर का बता, जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं मैंने पूरा क्लच कैंटर फिट कर दिया है। एयर इसमें निकालना नहीं है, आपको ब्रेक हेड डाल देना है, 10-15 बार पंपिंग करना है, क्लच हार्ड हो जाता है, एयर का लफड़ा नहीं है। अब गियर लगा के देखते हैं कि कैसा सिस्टम है इसका। इसको भी चला कोई टेंड कर दी। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं क्लच पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब गियर भी लग रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास आवाज कर रहा है। एक मिनट, ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, ये रिवर्स, ठीक है फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नए वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्द आएगा वीडियो। थैंक यू।